खबर बाराबंकी से, जहां सद्भावना दिवस के अवसर पर जनपद बाराबंकी के सभी थाना क्षेत्रों में शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी यमुना प्रसाद के निर्देशन में पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन्स व समस्त थानों पर अधिकारी कर्मचारीगण को सद्भावना दिवस के अवसर पर सभी धर्म, भाषा और क्षेत्र के लोगों के मध्य राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सद्भावना का बढ़ावा देने हेतु शपथ दिलाई गई। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भाव के लिए कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेदों को बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। वही बाराबंकी के थाना जैदपुर में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से फर्जी व कूट रचित मेडिकल क्लिनिक खोलकर कोविड वैक्सीनेशन का कार्य करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फर्जी वैक्सीनेशन करके लोगों से 100 से 125 रुपए ऐंठते थे दोनों युवक की गिरफ्तारी के संबंध में बाराबंकी पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक विजयन कुमार नाम का व्यक्ति है जो फर्जी तरीके से लोगों को वैक्सीन लगा रहा था, कोविड वैक्सीन, और वो फर्जी प्रमाण पत्र भी जारी कर रहा था। इसी क्रम में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जैतपुर थाना क्षेत्र में 419/67/67 और अन्य IMA की धाराओं में। इसके साथ ही एक जो इसका CHO है संदीप कुमार, ये इसको मोबाइल उपलब्ध कराता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, उसको भी इसमें नामजद किया गया है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। एक संदीप मिश्र, डॉक्टर पद्मेश मिश्रा हैं इनके एक साथी जो इसको पूरी तरीके से गवर्न कर रहे थे और जिनके नाम पे ये हॉस्पिटल पूरा चल रहा था, उनको भी इसमें मुलजिम बनाया गया है। और जो अन्य साथी भी इनमें शामिल हैं उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है जो ऐसे फर्जी तरीके से कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं और या प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उनको इसमें नामजद किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी।